नमस्कार, जेके की न्यूज़ की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर सैनी। जेवर एयरपोर्ट को लेकर डीएम बीएन सिंह ने दी बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए जिला प्रशासन में 72% किसानों की भू अर्जुन की सहमति ले ली है। यह जानकारी नोएडा के डीएम बीएन सिंह द्वारा पेश वार्ता कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान अब क्षेत्र में विकास के लिए अपनी ज़मीनें देने को राजी हो गए हैं, जिसमें परजन प्रतिनिधियों, मीडिया बंधु एवं समाज सेविकाओं की अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ भी यह भी बताया कि अधिग्रहण के लिए सहमति और प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट में कुल 6 गांवों की ज़मीन अधिकृत की जाएगी, जिसमें से 3 गांवों को विस्थापित भी किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, जिसको बहुत दिनों से आप कवर कर रहे हैं। आप जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि जेवर एयरपोर्ट के बारे में जिला प्रशासन ने क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 3 अगस्त को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए थे और उन्होंने 2 निर्देश दिए थे। एक तो कहा था कि इस कार्य को जल्दी से संपादित कराया जाए और दूसरा ये कहा था कि इसमें स्थानीय किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे वार्ता करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और इसमें हमारी जिला प्रशासन की पूरी टीम, हमारे ADMLA, SDM, डिप्टी कलेक्टर और तहसील की टीम के सभी मेंबर्स, इंक्लूडिंग लेखपाल, सारे लगे रहे और जनता के बीच में हम लोग गए, किसानों से वार्ता किया। हमें स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी बहुत सहयोग मिला और जिले के अन्य महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, प्रेस का सहयोग मिला, यहाँ के और स्टेक होल्डर्स हैं उनका सहयोग मिला, इंडस्ट्रीज के लोगों का सहयोग मिला, IMA का मिला। जनता के बीच हम अपनी बात कन्विंस कर पाए और जो लॉ के अनुसार मैंडेटरी पब्लिक पर्पजेज के लिए लैंड एक्वायर की जाती है तो 70% कंसेंट की आवश्यकता होती है। मुझे कहने में खुशी है कि 70% कंसेंट इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त लैंड एक्विजिशन का जो अगला स्टेप है उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेक्शन 11A के तहत पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए अपने इंटेंट को जाहिर करने के लिए नोटिफिकेशन करना पड़ता है। 100 एकड़ से अधिक की जमीन है, इसलिए इसमें राज्य सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और इसलिए कलेक्टर के द्वारा इसमें जो रूल्स है उसमें कलेक्टर मतलब ADMLA, जिला कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट।